हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज इस क्लास को मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आपको पता है, इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्लासेस दो हुई है और बाकी तो बहुत सारी क्लासेस हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही शानदार क्लासेस हो रही हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिल सके। और शेयर करना मत भूलिए, आपका शेयर हमें सपोर्ट देता है। आप शेयर कीजिएगा तो चैनल ग्रो करेगा, चैनल ग्रो करेगा तो अच्छी अच्छी कंटिन्यू वीडियोज़ में लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। बहुत ही छोटा सा सेशन होने वाला है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, जिसके बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, आप क्वेश्चंस को टिक लगा के देखिए आपका कितना सही हो पाता है। ये क्वेश्चंस आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जितने सारे स्टेट पीएससी एग्जाम हैं, ये जेपीएससी एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम है, सब में ऑब्जेक्टिव रूप से पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट जो साइंस का सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ट्राइनाइट्रोटोल्विन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किस मिश्रण द्वारा किया जाता है? टीएनटी का विस्फोट किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, आपको सही आंसर देना है। तो ट्राई नाइट्रोटोल्विन है, इससे आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें नाइट्रोजन है और इसलिए जब अगर नाइट्रोजन है तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अमोनियम नाइट्रेट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा गया ये क्वेश्चन। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? आपको पता है कि सौर से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन क्या है, संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया, आपको सही आंसर लगाना है। जिसका सही आंसर बताइएगा जी। बिल्कुल ऑप्शन ए, संलयन अभिक्रिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है कि अग्रणी उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तथा जैव प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, सनलाइट उद्योग, स्टारलाइट उद्योग, सनशाइन उद्योग या सनराइज उद्योग, आपको सही आंसर लगाना है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी सनराइज उद्योग इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए, इंजेक्ट मुद्रक, प्रकाशिक लवण, अभिज्ञाता, स्पीकर या इनमें से कोई नहीं, सही आंसर लगाइएगा जी। बिल्कुल ऑप्शन बी, प्रकाशिक, लक्षण, अभिज्ञता, इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सूर्य का प्रकाश तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? ये रिपीटेडली पूछा गया है ये क्वेश्चन, स्पेशली एसएससी में पूछ ही लिया जाता है घूम फिर के। तो देखिए क्या बनाते हैं, ऑप्शन देखिए, पर्यावरण, परिवेश, जलवायु कारक या जैव यौगिक, सही आपका आंसर लगाना है। तो ऑप्शन सी जलवायु कारक इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है और प्लस ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी ये बताइए आप लोग, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी ये बताना है। तो जी बिल्कुल, किसने की थी? तो ऑप्शन देख लीजिए, गैलीलियो, जेल बेयर्ड, कॉपरनिकस और कैपलर, सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी कैपलर इसका सही आंसर है, कैपलर इसका सही आंसर है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियो बनाने में। हमारी टीम वीडियोस पर बहुत ज़्यादा काम करती है और अच्छे अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन लाती है ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन पक्का हो सके, इसलिए शेयर करना मत भूलिए। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण किया जाता है? न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण भारत में कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, श्रीहरिकोटा में, बेंगलुरु में, पोखरण में या कांचीपुरम में, आपको सही आंसर लगाना है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी इसका जवाब दे पाएंगे। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी पोखरण इज द राइट आंसर, पोखरण इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी
आपको पता है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, उसमें जी जो है, जी अक्षर धोतित करता है, किस चीज़ का द्योतक है जी अक्षर, ये क्या डिनोट कर रहा है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं, ए गवर्नेंस, बी ग्लोबल, सी जनरेशन और डी गूगल, आपको सही बताना है आंसर। तो ऑप्शन सी जनरेशन इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी जनरेशन इसका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, जी आ गया फिर से घूम फिर के पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ऑटोहन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोहन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। आज ऑटोहन ने यह आविष्कार नहीं किया होता तो पूरी दुनिया आज एक संकट से नहीं जूझ रही होती। ऑटोहन के आविष्कार ने दुनिया में बहुत सारे देशों को शक्तिशाली तथा बहुत सारे देशों को कमजोर बना दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन, एटम बम, टेलीविजन, एक्सकिरणें या खनन का सेफ्टी लैंप। सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए एटम बम। जैसा कि मेरे इंडिकेशन से आपको पता चल गया था कि ऑप्शन ए एटम बम इसका सही आंसर होगा। तो चलिए लेते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है, भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए, त्रिशूल, K-15, सागरिका, अग्नि या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए त्रिशूल इज द राइट आंसर। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में तो आने की संभावना बनती है, साथ में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो ये छोटा सा सेशन था, सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। आज शाम में JPSC स्पेशल क्लास, झारखंड स्पेशल क्लास हो रही है जिसमें झारखंड टेट, JPSC और झारखंड से जुड़े विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव पंचायत स्तरीय एग्जामों के लिए या राज्य स्तरीय एग्जामों के लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो जितने भी झारखंड के स्टूडेंट हैं शाम में इस सेशन को देखना ना भूले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।